हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के दिन के दूसरे साइप्रस टी10 मैच के बारे में, जो कि मार्कोर और निकोसिया टाई फाइटर्स के बीच में खेला जाएगा। साइप्रस टी10 का मैच नंबर 39 रहेगा दोस्तों, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं भैया, सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने वाले बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑडियो मिलेगी, बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से ही मिल जाते हैं, ठीक है। और 250 रुपीज़ का गिवे तो आप सभी के लिए रहेगा ही रहेगा, जो फर्स्ट फुल वॉच करेगा वीडियो को और एक यूनिक कमेंट करेगा उसके लिए जरूर 250 रुपये का हर मैच में गिवे रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखो और भाई कमेंट कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है भाई, कमेंट, क्या पता आपको गिवे मिल जाए, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं मैच के बारे में, ठीक है। तो MAR और NFCC के बीच में ये मैच खेला जाएगा, मतलब मार्कोर और निकोसिया फाइटर्स के बीच में। मैच स्टार्ट होगा 1 बजे, ठीक है। वेदर की बात करें तो रेन के यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है। वेन्यू रहेगा दोस्तों यहाँ पे YP सोनस क्रिकेट ग्राउंड लिमासोल का। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे टोटल 38 मैच खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 24 जीता है, बैटिंग सेकंड ने 12 मैच ही जीता है, एक मैच जो था अबंडेंट रहा था। ओवरऑल वेन्यू रिकॉर्ड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 38 मैच और बैटिंग फर्स्ट का ही दबदबा रहा है, तो वेन्यू रिकॉर्ड में ज़्यादा बोलने लायक कुछ नहीं है। लास्ट मैच की बात करें तो मार्कोर की टीम, मतलब MAR की टीम ने एक मैच हारा, एक मैच जीता, ठीक है। और निकोसिया फाइटर्स की टीम ने दोनों मैच अपने हार के आ रही है, ठीक है। यहाँ की लोकल टीम है बट ये हार रही है, ठीक है, मैच को। और दोस्तों ये एवरेज स्कोर की बात करें तो 80 से 110 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे MAR मतलब मार्कोर के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से ओपन करेंगे जिशान अहमद और आमिर सोहेल, ठीक है। दोनों ओपन करेंगे, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और जिशान अहमद का रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है अभी तक, 21-43 स्किनिंग जो है काफ़ी बढ़िया है, 55 के एवरेज से ओवरऑल रन बनाते हैं, बिल्कुल इनको अपनी टीम में लेकर के चलना है। आमिर सोहेल लास्ट मैचेस से 1-1 ओवर की बॉलिंग करा रहा है, टीम का कैप्टन भी है, अच्छा रिकॉर्ड है, एवरेज भी बढ़िया है इनका, बिल्कुल इनको टीम में लेकर के आज चलना है, ठीक है। सिलेक्शन कम रहेगा लेकिन आज इनको लेकर के चलना, ट्रंप हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा खासा रिकॉर्ड इनका। जिशान अली हैं, ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन एक डिसेंट पिक मुझे लग रहे हैं, बाकी ठीक है। इनका स्टेट्स भी देख सकते हो, लास्ट में 22 किए थे। अबू बकर सिद्दीकी हैं दोस्तों, 40 नॉट आउट लास्ट मैच, ठीक ठाक से प्लेयर हैं, उतने मुझे इम्पैक्टफुल नहीं लगते, बिल्कुल अपनी टीम में लेना चाहो तो इनको ले सकते हो। नादिम कमर है दोस्तों 21 और उसके बाद नॉट बैट रहे थे, ड्रॉप करके चल सकते हो, थोड़ा सा कम चांसेस है इनका बैटिंग बॉलिंग का, लेकिन विकेट कीपिंग कराएंगे तो पॉइंट वहाँ से दे सकते हैं भाई, ठीक है, विकेट कीपिंग कराता ही। उसके बाद हमजा रहमान है दोस्तों, हर मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करता है और टी10 के 5 मैच में 1 विकेट है, थोड़ा विकेट कम मिलता है, बाकी प्लेयर ठीक है, लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, मैं लेकिन अभी प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आप लोगे तो बिल्कुल ले सकते हो। आवेश सुलहरी है दोस्तों, हर मैच में 2 ओवर की बॉलिंग, इवन डेथ में भी बॉलिंग कराने आता है, बिल्कुल इसको अपनी टीम में लेकर के चलना है। देख सकते हो दोनों मैच में इसको विकेट्स मिले हैं, मतलब 2 मैच में टोटल 3 विकेट इसके नाम। उसके बाद उमर फारूक है, हर मैच में 2 ओवर की बॉलिंग, बिल्कुल इसको अपनी टीम में लेकर के चलना है। फर्स्ट मैच में तो इसको 1 विकेट मिला था, उसके बाद इसको विकेट नहीं मिला। टी10 के 30 मैच में 18 विकेट इसके नाम है, 55 ओवर डाल के अपना 2 ओवर तो पूरा पूरा कराएगा ही कराएगा, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद ताजामल हैं और इनका अभी देख सकते हो डोमेस्टिक टी10 के 2 मैच में 2 विकेट है और लास्ट के मैचेस में इसको विकेट मिला है हर मैच में, ठीक है, दोनों मैच में 1-1 विकेट इसके नाम है, बिल्कुल इनको लेकर के चल सकते हो। मोहम्मद कुमार है दोस्तों, लेफ्ट आर्म स्लो बॉलिंग करता है, लास्ट मैच में 3 विकेट इसको मिला था 2 ओवर डाल के, इसने 2 ओवर अपने स्पेल डाला था, बिल्कुल अपनी टीम में लेकर के चलना, इस टीम का बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर है, ठीक है। उसके बाद अरसाफ शेर है, ड्रॉप करके चल सकते हो। अभी के लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ से जिशान अहमद हो जाते हैं, आमिर सोहेल हो जाते हैं, इन दोनों में से जिशान अली, अबू बकर सिद्दीकी में से किसी एक प्लेयर को ले लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे से आप चाहो तो सुलहरी को ले सकते हो, उमर फारूक इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से मोहम्मद ताजामल और मोहम्मद कुमार यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बेंच के प्लेयर्स के, सारे प्लेयर्स के यहाँ पर रिकॉर्ड आप देख सकते हो, कोई भी खेले तो आप पिक करके चल सकते हो, ठीक है। वकास अख्तर का ध्यान देना, खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं। स्टार्टिंग ओवर आपको आमिर सोहेल, उमर फारूक करते दिखेंगे, डेथ में आपको मोहम्मद कुमार, मोहम्मद ताजामल और हमजा रहमान बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं NFCC मतलब निकोसिया फाइटर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ से ओपन करेंगे दोस्तों अब्दुल अल तस्मीन, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा, और उसके साथ ओपन करने आते हैं कमरुल महमूद,
और अब्दुल अल्तासमीन एक ऐसा प्लेयर है ना जो दो ओवर की बॉलिंग करा रहा है हर मैच में, और साथ ही बैटिंग से कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहता है इसका। 51 मैच में 1112 रन 30 का एवरेज रन करता है, 20 विकटें भी इसके नाम है, पूरा पूरा दो ओवर बॉलिंग करा रहा है, तो बिल्कुल इसको टीम में लेकर के चलना है। और रिस्क लेना चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी इसको दे सकते हो। कमरुल महमूद है दोस्तों, 231 की इनिंग है, थोड़ा सा एवरेज पिक रहेगा, लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। ओपनिंग करेगा तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो कर ही देगा ये, ठीक है, कमरुल महमूद। उसके बाद दोस्तों परवेज मियां है, लास्ट मैच में दो ओवर की बॉलिंग कराया था, 2 विकेट इसके नाम था, बैटिंग से उतना अच्छा खासा नहीं कर सकता लेकिन बॉलिंग करे तो बिल्कुल ये ट्रम्प पिक रहेगा, बिल्कुल ले करके चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों अनवर हुसैन है, ये हर मैच में दो ओवर की बॉलिंग करा रहा है, 2 मैच में 2 विकेट इसके नाम है। फर्स्ट मैच में हालांकि इसको विकेट नहीं मिला लेकिन उसके बाद इसको विकेट मिला। टोटल T10 के 49 मैचेस में दोस्तों 284 रन 24 विकेट इसके नाम है, ठीक है, हर मैच में अभी दो ओवर की बॉलिंग करा रहा है, पिक करके चल सकते हो। नईम खान है दोस्तों, T10 के 24 मैच में 143 रन 20 का एवरेज, 10 विकेट इसके नाम, 25 ओवर डाल के, ठीक है, लास्ट मैच में इसने भी दो ओवर कराया था, 1 विकेट इसको मिला था, बाकी ये पूरा बॉलिंग कराता नहीं है, बाकी लास्ट मैच बॉलिंग कराया था, तो ध्यान रख सकते हो ऐसे प्लेयर्स को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कमरान अहमद हैं, फर्स्ट मैच में दो ओवर की बॉलिंग कराया, 1 विकेट मिला, सेकंड में उसको बॉलिंग नहीं दिया गया, यही होता है T10 में। 27 T10 के मैच में 13 विकेट इसके नाम है, बिल्कुल आप चाहो तो इनको ग्रैंड लीग की टीम में पिक करके चल सकते हो। उसके बाद तो अलवी चौधरी हैं, इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, बैटिंग बॉलिंग से उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड इनका मुझे लगा नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से रमाजान हुसैन है, ड्रॉप करके इनको भी चल सकते हो। मोनूरुल इस्लाम है, फर्स्ट मैच में दो ओवर किए, उसके बाद इनको बॉलिंग ही नहीं दिया गया, ठीक है, ओवरऑल T10 के 13 मैच में 7 विकेट इसके नाम है। उसके बाद दोस्तों मामून हॉल्डर हैं, ठीक है, इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन ये एक मैच खेला था उसमें इसने 2 ओवर किए थे, 1 विकेट मिला था T20 का, ठीक है, तो बॉलिंग करा सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ इनको, ऐसे प्लेयर्स को ध्यान रखना। सौरव अहमद है दोस्तों, दोनों मैच में 2-2 ओवर किया लेकिन 1 भी विकेट नहीं मिला, T10 के 32 मैच में 20 विकेट इसके नाम है, 51 ओवर डाल के, प्लेयर इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प हो सकता है सौरव अहमद आज की टीम के लिए, बिल्कुल इनको लेकर के आप चलिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूं दोस्तों यहां से तो आपके लिए अब्दुल अल्तस्मीन हो जाते हैं, ठीक है, और यहां से कमरुल और महमूद या फिर परवेज मियां में से किसी एक को ले लेना। नीचे से दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट अनवर हुसैन है, ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों नईम खान को भी अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो। नीचे से दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा यहाँ से सौरव अहमद, आज इनको ड्रॉप मत करना बिल्कुल, और मोनिरुल इस्लाम को लेना चाहो तो इनको भी लेकर के चल सकते हो, आप बॉलिंग कभी भी ये करवा सकता है, ठीक है। बेंच के प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख सकते हो, कोई भी खेले तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड है यहाँ। स्टार्टिंग के और आपको सौरव अहमद, अनवर हुसैन, अब्दुल अल्तस्मीन दिखेंगे, डेथ में आपको अनवर हुसैन, अब्दुल अल्तस्मीन बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करते हैं डेमो टीम की। तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे के महमूद, इनको बिल्कुल टीम में लेकर के चल सकते हो, ठीक है। एन कुमार हैं दोस्तों, इनको लेना चाहो तो इनको भी अपनी टीम में ले सकते हो, जिसन अली को भी ले सकते हो, लेकिन मुझे महमूद काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे तो मैं महमूद के साथ जाऊंगा, बाकी दोनों ये और ये प्लेयर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इनको लेकर के चल सकते हो, टॉप ऑर्डर में क्या करते हैं बैटिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहां से ले सकते हो सीधा सीधा, आपको मैं बता दूं यहां से, ठीक है, परवेज मियां इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको अपनी टीम में ले लेना कि ट्रम्प हो सकते हैं आज के मैच के लिए, तो बिल्कुल मेरी टीम में रहेंगे ये, ठीक है। और नीचे से दोस्तों जिसन अहमद मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है, और आपका ए बकर सिद्दीकी को अपनी टीम में लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये इनकी बैटिंग मुझे अच्छी लगी थी लास्ट मैच की, तो बिल्कुल अपनी टीम में लेना चाहो तो इनको लेकर के चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं वेट किया हूँ, आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। अब्दुल अल्तस्मीन मेरी टीम में बिल्कुल रहेंगे, ठीक है, अनवर हुसैन को बिल्कुल मैं टीम में लूँगा, ए सुलहरी अपनी टीम में रहेंगे, और यहाँ से एम कोमर, ठीक है, तो इनको इतने प्लेयर्स को मैं लेकर के चलूँगा ही चलूँगा। साथ ही दोस्तों यहाँ से वका सकता है, लास्ट मैच मिस किए थे, अगर ये खेलते हैं तो डायरेक्ट पिक बनता है, इनको बिल्कुल लेकर के चलना। बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट पुल रहेगा यहाँ से ताजामल, ठीक है, ताजामल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो ओवर की बॉलिंग करा रहा है हर मैच में दो ओवर की बॉलिंग इसका फिक्स रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ए सोहेल को ले सकते हो, जो कि ओपनिंग करा रहा था लास्ट मैच में, और ये लगभग 1-2 ओवर करता है, टीम का कैप्टन है, बिल्कुल इसको लेकर के चल सकते हो, ठीक है। उमर फारूक को भी अपनी टीम में बिल्कुल यहाँ पर लेकर के चलना है, मेरी टीम में तो रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल मैं अपनी टीम में लेकर के चलूँगा। यहाँ से दोस्तों नईम खान को अपनी टीम में लेकर के मैं गया हूँ, तो यह मेरी एक डेमो टीम बन गई है, ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम तो आपको आफ्टर टॉस में टेलीग्राम पे दूंगा। कैप्टन के लिए जा सकते हो अब्दुल अल्तस्मीन के साथ, ठीक है,
अगर आप चाहो तो ए सोहेल को भी कैप्टन कर सकते हो रिस्क लेने वाले। बाकी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी के लिए मेरे कैप्टन अल तस्मीन है और वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों मैं गया हूँ यहाँ पे ए सोहेल के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है, गिवे के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।